हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जो फ़ोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, डिफरेंट फ़ोन में डिफरेंट तरह के आपको डॉल्बी एटमॉस का यूजर इंटरफेस मिलता हो, और उसकी जो गाइस साउंड क्वालिटी है वो भी डिफरेंट तरह की होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सा डॉल्बी एटमॉस बेस्ट है और किसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी मस्त है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉल्बी डिजिटल प्लस से, इसमें जो यहाँ पे डॉल्बी डिजिटल प्लस दिया गया है, तो इसका जो ब्लूटूथ पे बेसिकली हम तीन चीज़ पे जो साउंड क्वालिटी है उस पर बात करूँगा मैं आपको, जो है ब्लूटूथ हो गया, एयरफोन हो गया और आपका जो स्पीकर हो गया। तो ये जो डॉल्बी एटमॉस है, डॉल्बी डिजिटल गाइस यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो ब्लूटूथ पे और आपका जो एयरफोन पे इसका जो साउंड क्वालिटी है अच्छी है, बहुत ही अच्छी मिलेगी। लेकिन जो लाउड स्पीकर पे अगर आप इसको यूज करते हो तो उतनी आपको इसमें ट्रेबल अच्छा नहीं मिलता है, बाकी मिड और बेस तो मिलेगा लेकिन ट्रेबल इसमें आपको अच्छा नहीं मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं बात यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस की। तो गाइस ये जो डॉल्बी एटमॉस बहुत ही पुराना है, इसका जो यूजर इंटरफेस है और बाकी जो ऑडियो इफेक्ट्स इसमें जो फाइल्स जो भी यूज की गई हैं, तो इसमें ये बहुत सा पुराना है ये, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, मिड ट्रेबल बेस तीनों अच्छी है, स्पीकर ब्लूटूथ और आपका जो ईयरफोन है ये तीनों पे वर्क करेगा, ये भी तीनों पे काम करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कुछ फ़ोन्स पे ही सपोर्टेड होता है जो किसी फ़ोन में सपोर्टेड नहीं होता है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये एंड्रॉयड 7.0 यानी कि नोगट और उससे जो कम होता है एंड्रॉयड उस पर काम करता है ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है आपका मोटो डॉल्बी ट्यून्ड बाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोटो ऑडियो ट्यून्ड बाई डॉल्बी। तो गाइज इसकी भी जो साउंड क्वालिटी है एवरेज ही है, इसका जो ट्रेबल है बहुत ही अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है, और ये भी ब्लूटूथ स्पीकर और ईयरफोन तीनों पर काम करता है, तो इसको भी आप अच्छा मान सकते हैं। लेकिन उतनी जो साउंड का जो लेवल है उसको आपको इसमें उतना अच्छा नहीं मिलता है उसकी तरह, जैसा हम मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो अभी तक तो यही बेस्ट है डॉल्बी डिजिटल प्लस। चलिए आगे देख लेते हैं, ये उसका जो आपका मोटो डॉल्बी है, मोटो ऑडियो है, उसका आपका इक्वलाइजर मिलता है, ग्राफिकल इक्वलाइजर 10 बैंड का, उसको आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है आपका ये जो मैक्सिमम डिवाइस में आपको देखने को मिलता है। तो गाइज इसमें भी ये आपका जो है ब्लूटूथ ईयरफोन और आपका स्पीकर ये तीनों पे वर्क करता है, लेकिन इसका जो ट्यूनिंग है जब भी आप इसको ट्यून करेंगे उतना खास अंतर इसमें देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा राउंड मिल जाएगा, डायलॉग एनहांसर उतना पता भी नहीं चलेगा, वॉल्यूम लेवलर इसका थोड़ा पता चलेगा आपको और इसका भी आपको पता चलेगा। तो इसका जो ग्राफिक इक्वलाइजर है बहुत ही इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ में और स्पीकर में भी, इसलिए कुछ खास नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो सबसे थर्ड क्लास का है, ये आपको सैमसंग डिवाइस में आपको देखने को मिलता है, जबकि ये ईयरफोन पे ओनली ईयरफोन पे किसी सैमसंग फ़ोन में काम करता है और स्पीकर पे भी काम नहीं करता, ब्लूटूथ पे भी काम नहीं करता। तो पता नहीं कौन सा डॉल्बी एटमॉस इन्होंने बना के दिया है, तो ये तो बहुत ही बेकार है, मतलब सबसे नीचे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4-5। तो लास्ट हम बात कर लेते हैं जो भी फ़ोन में मेरा इंस्टॉल्ड है ये है। तो ये गाइस सबसे पहले इस बात करेंगे कि ये किस पे वर्क करता है, तो एंड्रॉयड जो नोगट डिवाइस है और उससे कम पे है, यानी कि 4.3 to 7.1 यानी कि नोगट तक काम करता है। और गाइस इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही आपको एक्सेप्शनल मिलती है, बहुत ही टॉप क्वालिटी का साउंड मिलता है। इसका जो मिड है, ट्रेबल है और जो बेस है तीनों आपको बहुत ही बैलेंस्ड मिलता है। तो ये चाहे स्पीकर हो, ब्लूटूथ हो और आपका ईयरफोन हो, तो इससे आपको जो डिफरेंस जो डिफरेंस होता है साउंड में, ऑफ में, ऑन में, तो इसका आपको क्लियरली आपको पता चल जाता है, लगभग 50% के आसपास आपका जो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा इंक्रीज कर देता है, वो भी क्वालिटी के साथ। तो
तो गाइस इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है, इस पर भी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज मिलता है, लेकिन अगर आप इसको फुल पे करते हो तो इसका जो साउंड है बहुत ही लगभग 50-60% आपका इसमें साउंड इंक्रीज हो जाता है, वो भी क्वालिटी के साथ। तो बाकी इसके हिसाब से अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसमें गाइस जो फाइल्स यूज किए गए हैं ऑडियो इफेक्ट्स में जो फाइल यूज किए गए हैं इसका बहुत ही शानदार है और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, लेकिन ड्रॉबैक इसका यही है कि ये 7.1 यानी कि नोगट से ऊपर काम नहीं करता है, नोगट और उससे नीचे यानी कि 4.3 जैसे मैंने आपको बताया, और 4.3 टू 7.1 तक ये काम करता है डॉल्बी एटमॉस। तो गाइस वीडियो में यही था आपको बताने के लिए कि कैसे आपको कंपनी जो है पागल बनाती है डॉल्बी एटमॉस का एक ऑप्शन देकर जो बिल्कुल बिना काम का होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।